ये मस्जिद करीब 200 वर्षों से भी पुराना है। अच्छा, पहले तो यहाँ मोहम्मदन रहते थे, अच्छा, तो ही देख रेख कर रहे थे। अब जब मोहम्मदन यहाँ से चले गए तो इसका देख रेख हिंदू ही करते हैं। ये मस्जिद 200 वर्षों से भी पुरानी है जिसकी देख रेख हिंदू करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये मस्जिद नालंदा के माड़ी गांव में स्थित है जिसकी देख रेख सदियों से हिंदू समाज के लोग करते आ रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पांचों वक्त मस्जिदों से अजान की आवाजें आती रहती हैं। गांव में रहने वाले हिंदू समाज के लोग नियत समय पर पेनड्राइव की मदद से अजान कराते आ रहे हैं और ये सिलसिला सदियों से यूं ही चलता ही आ रहा है। हाँ, तो कौची जानो मस्जिद के बारे में? मस्जिदिया में यही सेवा समार करो हिंदू ने। अच्छा, कब से करते आ रहे? वो बापे दादा से सब बरिश के तो हम बात के खिस्सा और जवाने से यहाँ बेकदर नहीं है मस्जिद। अच्छा, तो यहाँ मुसलमान नहीं रहता है? अब कहाँ से आया, पहले था कि जिमदार फिमदार या और ये था बचल बुचल वो चला गया, सब छोड़ छाड़ के भाग गया। हाँ, वो डर से तो नहीं है भगा, अपना अपना साथ इधर ली। अच्छा, दुनिया जमाना ये बदल गया न बाबू साहब। अच्छा, तो अपन अपन साइड इधर दी, एको घर है ये नहीं है। भगवान का पूजन है ये होता है, और हिंदू जन है जलती ही रहता है। अच्छा, देख रेख करता ही है तो और क्या चाहिए। और क्या खासियत है मस्जिद का? मस्जिद के भाई वो जमाने से सभी हिंदू के जो है ब्याह शादी में गोड़ लगते हैं और इसी का आशीर्वाद से आदमी जो है भला हो या बुरा हो जीते हैं। नम्मा तो भाई देवता के कुजले कोढ़ी हो गए। जितना जो फर्ज था टूटल था, लेकिन हमने इनको देखे जिज्ञासा क्या हगी कर दिया, सब अपने हाथ सामने मैंने किए। जितना देख रहे थे टूटल टूटल था, सब अपना हाथ सामने। क्या खासियत है इस मस्जिद का कि लोग अभी भी मतलब हिंदू परिवार जो है इसको मतलब देख रेख कर रहे हैं? हाँ, खासियत ये है कि यहाँ जो मान्यता मानता है उसको पूरा होता है। मुस्लिम परिवार यहाँ से छोड़कर क्यों चले गए, क्या कारण रहा था? हाँ, कारण यही रहा कि पहली बार दंगा हुआ तो हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के साथ रहे, सब कुछ हुआ। फिर दोबारा होला तो धीरे धीरे लोग जो है कि अपना जगह धर लें कि दंगा फसाद होते रहता है कि ठीक नहीं है, तो चले गए बिहार से भी। लेकिन किन्हीं को क्षति नहीं हुआ, ये नहीं है कि कोई मारी सा पीटी या कोई दंगा फसाद के चलते ऐसे वैसे नहीं कोई भागा है, स्वच्छा से। तो ये जो मजार है यहाँ पे मस्जिद में, इसकी क्या खासियत है? यह खासियत है कि जो कोई आता है यहाँ माथा टेकता है और मांगता है कि हमको अमुक चीज, उसको पूर्ति होता है। तो शादी ब्याह के मौके पर भी लोग आते हैं? शादी में सबसे पहले यहीं गोड़ लगता है, देवी स्थान और सब सब जगह से पहले ये हैं। अब नहीं लगेगा ना तो उसको नुकसान हो जाएगा। देखो नहीं दी पूर्वी समाज के थे मौर्य में आग लग गया, इसलिए डरल अब सबसे पहले ये हैं। आपके पीछे जो पत्थर रखा हुआ है उसे क्या खासियत है? अभी आप कुछ खासियत बता रहे थे इस पत्थर। खासियत तो बता रहे हैं कि इसमें पानी लाता है, रगड़ करके गाल फूल गया, ग्लैम्स इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है। ये जरमोहरा पत्थर है।